सोलन के एनजीओ सभ्यरी फॉरेस्ट ने वन विभाग की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि वन विभाग की नर्सरियों में पौधे उपलब्ध नहीं हैं। यही कारण है कि पौधे रोपने के लिए एक पौधे के लिए 35 से 50 रुपए अदा करने पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सोलन डिवीजन में करीबन 17 नर्सरियां चल रही हैं, लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि उनमें देवदार और बाण के पौधे उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से वन प्रेमियों को पौधे बाहरी जिलों से खरीदने पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी संस्था का उद्देश्य है कि वह करोल के पहाड़ पर इतने पेड़ लगाएं कि जंगली जानवर खेतों का रुख न कर सकें और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। फोर लेन निर्माण के लिए हजारों पेड़ काट दिए गए हैं, उनकी भरपाई हो सके, लेकिन अगर वन विभाग का रवैया ऐसा रहता है तो वह अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर सकते हैं। संस्था के अध्यक्ष अजय शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी संस्था हर वर्ष न केवल पौधारोपण करती है बल्कि जो पौधे लगाते हैं उनका संरक्षण भी करती है। यही वजह है कि आज करोल का पहाड़ पेड़ों से लहलहा रहा है, लेकिन बरसात के मौसम में वन विभाग के पास पौधे रोपने के लिए पौधे ही उपलब्ध नहीं है। यही वजह है कि आज उन्हें पौधे रोपने के लिए पोंटा से पौधे मंगवाने पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वन विभाग ने अपने कार्यालयों के बाहर सूचना तो लगाई है कि पौधे रोपने के लिए पौधे निःशुल्क दिए जाएंगे, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उनके द्वारा चलाई जा रही नर्सरियों में पौधे ही तैयार नहीं है। पर्यावरण को बचाने के लिए ये हमारी शुरुआत है, जिसपे हमने एक संस्था बनाई है सभ्य रिफॉरेस्टर, जो पिछले 3 सालों से पर्यावरण से रिलेटेड पौधारोपण कर रही है। मेरी सरकार से भी गुजारिश रहेगी कि हमें कोई ज़्यादा सहयोग सरकार से नहीं मिल पाता है, क्योंकि हम पौधे भी जो है अपने पैसों से खरीद कर लगाते हैं। तो हम आपके माध्यम से सरकार से भी ये गुजारिश करेंगे कि वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें और वृक्ष प्रदान करें। आपके माध्यम से सभी से मैं गुजारिश करूंगा कि वो सोलन की जनता ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठा हुए 29 तारीख को और करोल पर हमारे साथ ट्री प्लांटेशन करें। इस बारी हम करोल में लगभग 700 पौधा लगाने जा रहे हैं, जिसमें देवदार और बाण 500 और 200 मेडिसिनल प्लांट और 100 कर जो है हम फूल पौधे लगाने जा रहे हैं। हम इसमें दाड़ू, जामुन और जो भी वाइल्ड प्लांट्स होते हैं जो जंगलों में, जिससे हम जो है वानर जो नीचे गांव की तरफ आते हैं उनको हम जंगलों में ही रोक सकें।